हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले उसके देख लेते हैं स्ट्रक्चर और लेसन का नाम क्या है। देखिए, लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को अपन इस साइन से डिनोट करते हैं, और यही साइन अपन किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। उसी तरह से कैपेसिटर भी क्या है, एक इक्विपमेंट है जिसको हम सर्किट में लगाते हैं। अब कैपेसिटर का साइन कैसा होता है, इस तरह का कुछ साइन होता है, या फिर इसको इस तरह से बना सकते हैं। दो पैरेलल लाइन होती है, उस लाइन का मतलब सिर्फ वो वायर या फिर लाइन नहीं है, वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, दो शीट्स है, और अपन उसको बोल सकते हैं दो शीट कैसी, कंडक्टिंग शीट्स है, कंडक्टिंग शीट्स है और इक्वल है, और दूसरा क्या है, उस पर चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। जैसे मान लो एक शीट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी शीट पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एक को हम इंसुलेटर से या फिर इंसुलेटिंग स्टैंड से अटैच करते हैं, और दूसरी जो शीट है उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो पैरेलल लाइन जो है वो किसको डिनोट कर रही है, कैपेसिटर को डिनोट कर रही है। इसको हम किस में लगाते हैं, किसी भी सर्किट में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर हम किसको मान रहे हैं, यहाँ पर कैपेसिटर को मान रहे हैं, और उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी और किस चीज़ को हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कंडक्टर कैसा है, आइसोलेटेड है और स्फेरिकल है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा होगा कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी तो हमने पढ़ ली है किसी कंडक्टर की, तो अब उस कंडक्टर को हम कहेंगे क्या, उस कंडक्टर को ही हम कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर को हम पढ़ेंगे थर्ड वीडियो लेक्चर में और थर्ड टॉपिक में, और इसके अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की, जो कैपेसिटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फोर्थ हमारा है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एयर वैक्यूम ना होकर या फिर फ्री स्पेस ना होकर वहाँ पर कोई मीडियम हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में। फिफ्थ टॉपिक में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस इन वेरियस फॉर्म्स। हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस इन वेरियस फॉर्म्स किस में, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंप्लीटली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो पार्शियली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा। और अगर फिल्ड विद डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स है उसके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम कम्प्लीटली फिल्ड कर रहे हैं, पार्शियली फिल्ड कर रहे हैं, थर्ड में हम समझेंगे कि अगर अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लें और अलग अलग मोटाई के हम लें, अलग अलग विड्थ के लें, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें हम बात करेंगे। सिक्स हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर डिराइव करना है। सेवेंथ हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह से हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्योंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर को सीरीज वाइज हम कैसे ऐड करेंगे सर्किट में और पैरेलल कैसे ऐड करेंगे, देन उसके बाद जो इक्वी पोटेंशियल या फिर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के लिए भी हम बात कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो क्या आएगा, यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे।
एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। यहाँ हम बात करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जैसा कि हमें पता ही है कि जो भी वर्क डन होता है वही क्या है, एनर्जी की फॉर्म में उस इक्विपमेंट में या फिर उस क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, और कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो कहाँ से कैसे सेव होगी, किस फॉर्म में सेव होगी, उसकी हम बात करेंगे इसमें। और साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे। जैसे ही हम एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे, देन हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह हम रखते हैं एनर्जी को, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे एनर्जी लॉस की। तो ये पूरी की पूरी इस चैप्टर की स्ट्रक्चर है। आपको माइंड में रखना है कि किस किस टॉपिक में हम कैसे कैसे जा रहे हैं, कौन से वो फॉर्मूलाज हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में हमें काम में लेने हैं। तो इस तरह से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो देखते हैं इसको। आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। सो व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। देखिए, कोई भी कंडक्टर है अगर वो चार्ज को रिसीव कर पा रहा है, कोई भी कंडक्टर चार्ज को रिसीव कर पा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी, तो वही कैपेबिलिटी क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर होगी। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, द कैपेबिलिटी, capability of receiving a charge, by a conductor is known as capacity of a conductor। तो ये क्या है, the capability of receiving a charge। तो कोई भी conductor जो कि क्या कर रहा है, चार्ज को रिसीव कर पा रहा है, तो रिसीव करने की उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसी कैपेबिलिटी को क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज, जितना ज़्यादा हम चार्ज देते जाएंगे, कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो उसको हम किस तरह से लिख रहे हैं, मान लो क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर क्यू की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या कांस्टेंट आता है, इक्वल का साइन आता है और साथ साथ सी एक कांस्टेंट आता है। यही सी जो है वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर है। तो इस सी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर बोलेंगे, या फिर हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ हमने बात कर ली है किसकी, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर की। क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली। तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे किसी कंडक्टर पे, वैसे वैसे उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वही क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, या फिर हम उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो सी का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलता है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा किसी भी कंडक्टर का। तो आज ये हमने टॉपिक पढ़ा है। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसी में ही इसकी ग्राफ की बात करना चाहेंगे। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, देखिए, देखो ग्राफ बनाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सी कांस्टेंट था, जिसको हम कैपेसिटेंस बोल रहे थे, वो किस किस पर डिपेंड करता है। कई बार वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस किस पर सी डिपेंड करता है, लिखिए। तो डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर। सी किस पर डिपेंड करता है,
कि जो हमने कंडक्टर लिया है उसकी शेप एंड साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड चीज़ क्या है, नेबरिंग मीडियम, कि मीडियम कैसा है कैपेसिटेंस उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनादर चार्ज्ड कंडक्टर, अगर उस कंडक्टर के पास में कोई भी दूसरा चार्ज्ड कंडक्टर अगर वहाँ पर है, मौजूद है, तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंस के कारण ये जो सी है उसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो इन तीनों की वजह से सी की वैल्यूज़ में चेंज आता है, इसलिए ये जो क्वांटिटीज़ है वो क्या है, इन पर सी क्या करता है, डिपेंड करता है, सी डिपेंडेबल है। तो अब क्या होगा कि नोट, ये आप नोट कर लीजिए कि किसी भी कंडक्टर को जब क्या दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उसका पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। तो इसकी बात करनी है हमें कि इफ़ इट इज़ गिवन मोर चार्ज देन दी मैक्सिमम लिमिट देन इट गोज़ टू दी अर्थ। अगर किसी भी कंडक्टर की मान लो 2 कूलम चार्ज लेने की कैपेसिटेंस है, ये एज ए हम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, 2 कूलम अगर वो चार्ज ले पा रहा है तो हम उसको उतना ही चार्ज दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमने चार्ज उसको दे दिया तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ इट इज गिवन मोर चार्ज देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ कंडक्टर देन इट गोज टू द अर्थ। तो आज हमने बात की है किसकी, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर की। होप करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ही टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, अदर टॉपिक्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस का हमने क्या फार्मूला निकाला है, क्यू अपॉन वी। क्यू क्या था, प्रोपोर्शनल था वी के। तो जैसे जैसे क्यू चार्ज हम किसी भी कंडक्टर को देते जाएंगे तो उसकी एक लिमिट रहेगी, उस लिमिट में वो चार्ज को लेता जाएगा और उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है वो चार्ज लेना बंद कर देता है और वो चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो ये बात हमने की कैपेसिटी की। अब हम अगर ग्राफ देखें क्यू एंड वी में, तो वो ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो यहाँ हम ग्राफ देख लेते हैं, ये क्यू है और ये वी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें बन जाएगा। जैसे जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट के बारे में, पढ़ते हैं कि ये जो सी है कैपेसिटेंस, वो क्यू अपॉन वी ये फॉर्मूला बनाता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यू, क्यू के लिए क्या होगी, यूनिट कूलॉम, और वी, वी के लिए क्या होगी, वोल्ट होगी। तो इसको हम कूलॉम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं और इसी को ही हम क्या लिखते हैं, फैराड लिखते हैं। तो ये जो है फैराड, इसकी अदर यूनिट मानी जाती है। और ये किस पर नाम पर पड़ी है, फैराड एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पर ये यूनिट पड़ी है। जैसे अपन फोर्स के लिए लिखते हैं न्यूटन, वर्क के लिए लिखते हैं जूल, तो इनके जो बेसिक यूनिट है, जो इनके फार्मूला से बनती है, उसके अलावा इनके जो भी यूनिट है वो साइंटिस्ट नेम के नाम पर जानी जाती है। तो ये फैराड के नाम से भी जानी जाती है। किसको हम लिखते हैं, कैपेसिटेंस की यूनिट हम कूलॉम पर वोल्ट भी लिखते हैं और फैराड भी लिखते हैं। अब अगर हम 1 फैराड की डेफिनेशन देखें, तो 1 फैराड क्या होगा कि पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा, और चार्ज कितना होगा, 1 कूलॉम का चार्ज होगा। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड का कैपेसिटेंस होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ बाय गिविंग, इफ बाय गिविंग 1 कूलॉम चार्ज टू एनी कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, बाय 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस of that conductor is 1 farad। तो ये 1 farad की डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है कि 1 farad की डेफिनेशन आप लिखो, तो आपको क्या लिखना है, बाई गिविंग 1 कूलॉम चार्ज टू एनी कंडक्टर एंड इट्स
potential increases by 1 volt, then the capacitance of the conductor is 1 farad. तो कभी कभी ये definition पूछ ली जाती है, तो आपको इस तरह से लिखना है. अगर 1 volt potential में increment हो रहा है, किसकी वजह से? 1 coulomb charge देने की वजह से किसी conductor को, तो जो capacitance होगा, जो capacity होगी उसको charge लेने की, वो कितनी होगी? 1 coulomb per volt भी हो सकती है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, farad, तो 1 farad भी हो सकती है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.